नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। और आज हम बात करने वाले हैं यूटीआर गामा प्लस के बारे में। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने वहां पे आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको ये जो पर्टिकुलर मॉडल है यूटीआर गामा प्लस 12 वोल्ट वाला 1 kVA मॉडल, इसके बारे में आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उस वीडियो के नीचे। और काफी अच्छे अच्छे जो है वो सवाल आप लोगों से यहाँ पे आए हुए हैं और इसीलिए जो है मैं ये आज एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं इस Q&A वीडियो का एक और पार्ट 2 भी बना दूं तो आप और सवाल यहाँ पे जो है यूनिक सवाल, अच्छे अच्छे सवाल लिख के भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कम्प्लीट सेटअप है मेरा, ये सेटअप टूर मैंने बनाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। तो सबसे पहले आप जाके सेटअप देख लीजिए, सेटअप समझ लीजिए, तो आपको ये जो भी क्वेश्चन आंसर है ये समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो सवाल आया हुआ है वो है गुरविंदर सिद्धू की तरफ से और ये पूछते हैं कि गामा प्लस के 3 मोड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखो सिद्धू सर, जो ये जो 3 मोड्स हैं, हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड और स्मार्ट मोड, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे जरूर आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल डिटेल में आपको इसकी कम्प्लीट जानकारी मिल जाएगी क्योंकि शॉर्ट में इन चीजों को समझाना इतना आसान नहीं होगा, तो डिटेल में ही। नेक्स्ट इनका सवाल है कि फ्लोट वोल्ट और बल्क वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों जो भी हमारा डिवाइस होता है, जो बैटरी होती है, कोई भी तरह की आप बैटरी ले लीजिए, इसमें एक तरह का सेल्फ डिस्चार्ज होता है, मतलब पड़े पड़े बिना कोई कनेक्शन के भी आपकी जो बैटरी होती है ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहती है और वो डिस्चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोट वोल्टेज उसको दिया जाता है। दोस्तों ये जो हमारे जो अच्छे चार्जर है, मान लीजिए आप यूटीएल गामा प्लस ले लीजिए या कोई भी अच्छे कंपनी का आप सोलर चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए, ये 3 तरह के मोड्स में चार्जिंग करता है। तो सबसे पहले तो जो है वो आपका बल्क चार्ज रहेगा, जहां पे ज्यादा से ज्यादा एम्पियर आपके बैटरी को दिए जाएंगे और बैटरी की जो खपत है, जो आपने यूज किया है उसको भरा जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन मोड। और एब्जॉर्प्शन मोड में क्या होता है कि दोस्तों बैटरी के जो एम्पियर दिए जाते हैं वो धीरे धीरे से कम किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि जो बैटरी जब धीरे धीरे चार्ज होने लगती है तो उसको जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा एम्पियर देने में कोई मतलब नहीं होता। इससे क्या होता है कि बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बैटरी खराब हो सकती है। और एब्जॉर्प्शन मोड का जो है वो स्टेज कंप्लीट होने के बाद में जो हमारा सेटिंग होता है, दोस्तों सेटिंग का भी एक वीडियो आ जाएगा गामा प्लस में, आप फ्लोट वोल्टेज जो है सेट कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन मोड का जो है 4 साइकिल पूरा होने के बाद में फ्लोट वोल्टेज बैटरी को दिया जाता है, वो काफी कम होता है, लगभग 1000 एम्पियर के आसपास जो है बैटरी का सिर्फ एक चार्ज लेवल मेंटेन रखने के लिए यह फ्लोट वोल्ट दिया जाता है। तो ये होता है फ्लोट वोल्ट, बल्क वोल्ट दोनों भी आप सेटिंग कर सकते हैं यूटीएल गामा प्लस में एडवांस कैलिब्रेशन में जाके। तो थैंक यू सिद्धू सर फॉर योर क्वेश्चन। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है समीर सरकार की तरफ से और ये पूछते हैं कि यूटीएल गामा प्लस बैटरी से कितने एम्पियर लेता है, नो लोड जस्ट बैटरी से। ओके, तो ये जो हमें पूछ रहे हैं ये है कि इस जो इन्वर्टर है इसका आइडल ड्रॉ कितना है, मतलब बिना कोई लोड लगाए ये कितना पावर कंजम्पशन करता है। तो इसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। मुझे मेरे चैनल पे काफी कमेंट्स आते हैं और काफी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन मुझे आता है कि ये जो यूटीएल का गामा प्लस है 1 kW 12 वोल्ट मॉडल, इसका आइडल ड्रॉ कितना है। आइडल ड्रॉ का मतलब होता है कि इसका खुद का पावर कंजम्पशन कितना है। तो वो जो पावर कंजम्पशन है वो हम आज मेजर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या हाल है इसमें। तो अभी ये देखिए 22% लोड है इसके ऊपर और इतना लोड चलाने के लिए ये एम्पियर कितने ले रहा है ये बताता हूं मैं आपको। तो हम एम्पियर यहां पे चेक करेंगे, ये देखिए लगभग 16 एम्पियर ये ले रहा है, 16.5 एम्पियर इतना लोड चलाने के लिए। वैसे आपको टाइम भी बता दूं दोस्तों, रात के 11 बजे है, मतलब कोई भी सोलर इनपुट इसमें इस वक्त नहीं है, फुल्ली ये बैटरी से लोड चला रहा है। तो अभी आइडल ड्रॉ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो लोड का प्लग होता है ये वाला, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो आउटपुट का जो लोड है कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा सिस्टम फिर भी ऑन रहेगा और इसका जो खुद का सेल्फ पावर कंजम्पशन है वो चालू रहेगा। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं
कि इसका खुद का सेल्फ कंजम्पशन कितना है। तो लेट्स डू इट। ये देखिए दोस्तों, इसके फैंस बंद हो गए हैं और कंप्लीट सेटअप बंद हो गया है वैसे तो। इन्वर्टर रनिंग है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिस्टम का जो एलईडी है ये भी ऑन है, लेकिन लोड 0% पे आ गया है। तो हमने पिन निकाल दिया तो लोड एब्सोल्युटली इस पे जीरो हो गया। और इसका सेल्फ कंजम्पशन मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 एम्पियर। तो 12 वोल्ट के जो सिस्टम है उसके हिसाब से ये 1.5 एम्पियर, मतलब लगभग 20 वाट के आसपास इसका सेल्फ कंजम्पशन है। तो काफी एफिशिएंट है ये, इतना कोई ज्यादा कंजम्पशन इसमें नहीं है। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है सोलर सिस्टम के बारे में, बैटरीज के बारे में, एनर्जी सेविंग के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं फन मेकर डब्बा की तरफ से, और फन मेकर ने काफी अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम इन सब का जवाब आपको देंगे। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले हमें पूछा है कि लिथियम बैटरी क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो यूटीएल का गामा प्लस है लिथियम बैटरी सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पे कोई लिथियम बैटरी लगाएं। ये दो तरह की बैटरी जो है सपोर्ट करता है, एक तो आपकी जो ट्यूबलर बैटरी हो जाती है टॉल ट्यूबलर बैटरी वो सपोर्ट करता है, और दूसरा ये सील्ड मेंटेनेंस फ्री जिसको हम SMF बैटरी भी कहते हैं वो भी ये सपोर्ट करता है। तो इन दोनों को आप लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी इस पे ना लगाएं। BMS तो खराब नहीं हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप BMS खुद से बना लोगे और आप उसको करोगे कि भाई ये जो गामा प्लस का जो आउटपुट वोल्टेज है ये कन्वर्ट करेगा और फिर वहां से लिथियम बैटरी को चार्ज करेगा, तो हो सकता है, लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक तो BMS में लॉसेस हो जाएंगे, और वोल्टेज के अलावा दोस्तों ये जो बैटरी है इनके चार्ज प्रोफाइल होते हैं। दोस्तों, चार्जिंग वोल्टेज भी अगर आपने कन्वर्ट कर लिया आपके लिथियम के हिसाब से, तो भी इसके बाद में जो है चार्ज प्रोफाइल होता है बैटरी का, तो ये आपके लीड एसिड बैटरी के लिए डिफरेंट होगा, लिथियम बैटरी के लिए डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप BMS बना के, और मतलब कोई इसका मतलब नहीं निकलता है। लिथियम बैटरी कहाँ पे यूज होती है दोस्तों? लिथियम बैटरी जो है इन्वर्टर के लिए ज्यादा फेमस नहीं है इंडिया में, क्योंकि लिथियम बैटरी ज्यादा हीट, ज्यादा जो हॉट क्लाइमेट होता है इंडिया का, उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो जहां पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, जहां पे हमें छोटी जगह पे काफी सारी एनर्जी चाहिए, काफी लाइटवेट बैटरी बनानी है, मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में या इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जहां पे वेट और साइज के लिमिटेशन होते हैं, वहीं पे हम लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। घर के लिए जनरली लिथियम बैटरी हम यूज नहीं करते हैं। प्राइजेस वगैरह तो दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ेगा, बाकी अगर हो सके तो मैं कुछ अमेजोन के लिंक्स नीचे डाल दूंगा जहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आता है फन मेकर डब्बा की तरफ से, और ये पूछते हैं कि 12 वोल्ट बैटरी में दो बैटरी कनेक्ट करके करने पर कोई इश्यू तो नहीं आएगा, और चार्जिंग टाइम क्या होगा? ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि काफी लोग जो है UTL गामा प्लस या कोई भी जो है 12 वोल्ट का इन्वर्टर है उस पे डबल बैटरी लगाने से डर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कि जो दो बैटरी हम लगाते हैं इसको पैरेलल में करके लगाते हैं, और ये अगर आप ढंग से लगाएंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जहां पे हमने जो है 12 वोल्ट सिस्टम में दो बैटरीज पैरेलल करके लगाई है, तो वीडियो जाके देखिए, आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो जो है दोस्तों पूरा देखिए, क्योंकि मैंने उसमें काफी बारीक चीजें भी आपको बताई है, जैसे मैंने स्टैगर्ड कनेक्शन किस तरह से करना है बैटरीज का। तो अगर आप स्टैगर्ड कनेक्शन करेंगे तो दोनों बैटरीज के बीच में लोड अच्छे से डिवाइड हो जाता है, चार्जिंग अच्छे से डिवाइड हो जाती है। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि दो बैटरी हमें किस तरह से कनेक्ट करना है। और जहां तक की बात आती है UTL गामा प्लस की, तो UTL गामा प्लस में तो इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें अच्छी खासी जो है बैटरी लगाएं, कम से कम आप दो बैटरी इसमें बड़े आराम से लगा सकते हैं, और ये रेकमेंडेड भी है, क्योंकि इसका जो चार्जर है दोस्तों MPPT चार्जर, ये 40 एम्पियर का है। और 40 एम्पियर का अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका जो बैटरी बैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 400 AH का। तो ये होता है कि जो बैटरी होती है हमारी लीड एसिड बैटरी, इसको हम 10% से चार्ज करते हैं, तो 400 AH का अगर आपके पास में बैटरी बैंक होगा तो उसको आप 40 एम्पियर मतलब पूरी कैपेसिटी से चार्ज कर पाएंगे।
और अगर आप जो है कम से कम इसमें 150 Ah की दो बैटरी लगा देते हैं तो आप 30 एम्पियर से चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल बैटरी लगाते हैं और इन्वर्टर की जो सेटिंग है जहां तक मैक्सिमम जाती है, मतलब 40 सपोर्टेड है तो बिल्कुल 40 उसको सेट कर दिया, और 150 Ah की बैटरी में अगर आप 40 एम्पियर से चार्जिंग करेंगे तो बैटरी काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी और बैटरी की लाइफ काफी कम हो जाएगी। तो अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो 150 एम्पियर की दो बैटरी या फिर 200 एम्पियर की दो बैटरी पैरेलल में करके लगाइए, अच्छा फायदा मिलेगा आपको। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट कमेंट आता है दर्शन शाह की तरफ से और इन्होंने लिखा है, हेलो ग्रेट वीडियो, ग्रेट एंगेजमेंट, कीप अप द फैबुलस वर्क। तो थैंक यू दर्शन फॉर योर कमेंट, और ये जो है हमारा चैनल और हमारा जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और इस तरह से ही प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है हमारे चैनल पे लिखते रहिए। नेक्स्ट कमेंट हमारे यहाँ पे आता है फन मेकर डब्बा की तरफ से और ये लिखते हैं कि हाय सर, इसमें लूम सोलर 375 वाट का 3 पैनल्स लगा सकते हैं क्या, मैक्स करंट कितना देगा पैनल? ओके, तो ये मैं अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों 375 वाट के 3 पैनल तो लगभग 1100 वाट के आसपास ये हो जाता है, तो काम तो ये बिल्कुल मजे से करेगा, लेकिन ऑफिशियली जब भी बात हो दोस्तों तो ये जो UTL कंपनी है ये हमको 1000 वाट तक रेकमेंड करती है, तो मैं ऑफिशियली आपको 1000 वाट से ऊपर रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि शायद आपकी वारंटी वगैरह चली जाए। तो 375 के आप दो ही पैनल लगाइए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं खुद तो जो है 1300 वाट के पैनल लगा के चला रहा हूं और लगभग 3 महीने हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बाकी लगाना है तो आपके रिस्क पर लगाइए। इसके बाद में मैक्स करंट कितना देगा, दोस्तों इसके लिए जो है आपके पैनल के पीछे जो स्टिकर होता है उसको देखना पड़ेगा, उस पर आपका मैक्सिमम करंट वगैरह जो भी है लिखा रहेगा। उसके बाद में ये पार्ट काफी अच्छा है और इसमें लिखा है कितने टेम्परेचर पर वर्क, तो हाँ ये जो है ये एक बात सही है कि इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हाइयर टेम्परेचर के ऊपर पैनल्स डिग्रेड हो जाते हैं। दोस्तों एक मिसकंसेप्शन मैंने काफी लोगों के जो है मन में देखा है कि लोगों को लगता है कि पैनल्स हीट पे काम करते हैं, दोस्तों पैनल्स हीट पे काम नहीं करते हैं, पैनल्स जो काम करते हैं वो सनलाइट पे काम करते हैं, उन्हें लाइट चाहिए, हीट से तो इनफैक्ट पैनल्स डिग्रेड हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं एक बार टेम्परेचर रिलेटेड भी पैनल का जो है वीडियो बना दूंगा कि कितने टेम्परेचर पे क्या आउटपुट देता है, एम्पियर कैसे ड्रॉप होते हैं, क्या होता है, तो वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद में और कुछ है बहुत वीडियो में देखा हूं, ओके सो लेट्स गिव हिम हार्ट, ही हैज आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ही डिजर्व्स दैट। तो उसके बाद में और भी क्वेश्चंस आए हैं, करंट का जनरेशन मोनो पैनल में ही होता है? दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, देखो पॉली पैनल में भी करंट बनता है, अब करंट बनता है तभी तो लोग लेंगे ना, अगर आपका जो पॉली पैनल है करंट नहीं देगा तो लोग क्यों लेंगे उसको, तो दोनों में करंट बनता है और बहुत कम फर्क है एक्चुअली। ऐसा ये आजकल जो है मार्केट में चल रहा है कि जो मोनो पैनल है काफी ज्यादा सुपीरियर होता है और पॉली पैनल बकवास है या कुछ इस तरह से ये चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 19-20 डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में करंट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद में है इसमें 1000 वाट का पैनल लगा सकते हैं आपके वीडियो में, मोर देन 1200 वाट का पैनल, ओके। तो दोस्तों ये जो भी है बातें, ये जो एक कंसेप्ट है इसको हम ओवर पैनलिंग कहते हैं, और ओवर पैनलिंग हम इस तरह से शॉर्ट में नहीं समझा पाएंगे आपको, ओवर पैनलिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा आपके लिए, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन वो वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आप उसको ओवर पैनलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और तभी आप अच्छे से जो है एक एजुकेटेड रिस्क लेके ओवर पैनलिंग कर पाएंगे, बाकी तब तक दोस्तों आप ओवर पैनलिंग मत कीजिए। ऑलराइट, ओके अनदर हार्ट फॉर हिम, कोई मुझे काउंट करके बताओ फन मेकर डब्बा को कितने हार्ट मिले अभी तक, एक कमेंट डालो नीचे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रवि सिंह की तरफ से और ये बोल रहे हैं कि दोनों बैटरी फुल चार्ज कितने देर में हो जाती है? ऑलराइट, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि जो है मेरा सेटअप कैसा है, मैंने जो है 300 Ah की बैटरीज लगाई है, मतलब 150 Ah × 2 पैरेलल करके मैंने लगाया है, और मेरे जो पैनल्स हैं 1300 वाट के टोटल सोलर पैनल्स हैं। सेटअप टूर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सेटअप टूर पहले देख लीजिए तो मेरा सेटअप आपको ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा। और फुल चार्ज की जब बात होती है दोस्तों, तो 1300 वाट पैनल लगाने का एक ये फायदा होता है
कि सुबह लगभग 8-8 बजे से ही काफी अच्छे एम्पियर मेरे बैटरी की तरफ आने लग जाते हैं। तो लगभग ये 8:30 बजे ही 20 एम्पियर से बैटरी चार्ज करने लग जाता है और लगभग 10:30 से 11 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक ये बैटरी हमको फ्लोट वोल्टेज पे लाके देता है। तो ये एक फायदा होता है ज्यादा पैनल्स लगाने का। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 11 बजे तक ये फुल चार्ज हो जाती है, मतलब रात को जो भी हमने कंज्यूम किया है तो रात को ये आ जाता है, हमारा जो बैटरी वोल्टेज है लगभग 11.8 के आसपास ये आ जाता है और मॉर्निंग में 11 बजे तक ये फुल चार्ज हो जाती है, फ्लोट वोल्टेज पे आ जाती है। इनफैक्ट ये लगभग जो 13 वोल्ट जो है बैटरी का, ये तो 9:30 बजे ही लाके देता है। किसी और वीडियो में आपको ये मैं बना के दूंगा, एक चार्ट वाइज या आप बोल सकते हैं कि टाइमिंग वाइज बना के हम इसको देंगे कि 9 बजे कितने एम्पियर आते हैं, फिर 10 बजे कितने आते हैं, इस तरह से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरमीत सैनी की तरफ से। गुड इवनिंग सर, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं यूटीएल गैमा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पे लूम सोलर के मोनोक्रिस्टलाइन पैनल 375W x 3 लगा सकता हूं। तो गुरमीत जी, सबसे पहले गुड इवनिंग है सर जी आपको भी। और जो 375W के पैनल आप बिल्कुल लगा सकते हैं, मजे से चलेंगे, लेकिन बात वही है कि ऑफिशियल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि इसका टोटल जो है 1100W से भी ऊपर हो जाता है। वैसे मेरा तो 1300 भी चल रहा है, आपके रिस्क पे आप लगा सकते हैं। और अगर आप लगाते हैं तो एक कमेंट लिख के जरूर बताइए, आपके एम्पियर वगैरह बताइए, कितना सक्सेसफुली चला ये भी बताइए। इस तरह से जो डिस्कशन चलते हैं तो और भी ज्यादा मजा आती है। ऑल राइट, उसके बाद में हाँ एक हार्ट तो बनता है ऑफ कोर्स। उसके बाद में नेक्स्ट कमेंट आता है वैभव सिंह की तरफ से, और वैभव सिंह ये लिखते हैं कि स्टैंड बाय में जब कोई लोड नहीं चल रहा है तो कितना कंज्यूम करता है। मेरा ल्यूमिनस का जो है 40W करता है। दोस्त 40W थोड़ा ज्यादा होता है, शायद हो सकता है जो पुरानी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है वो हो आपके पास, तो 40W इज ऑलमोस्ट 3.5-4 एम्पियर। तो ये वाला जो है इसका वीडियो मैंने बना के रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे हमने मीटर पे मेजर करके बताया है कि इसका एडल ड्रॉ कितना है। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी वैभव सिंह की तरफ से है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या पूछ रहे हैं। अगर ये यूटीएल गैमा प्लस के बारे में पूछ रहे हैं तो ये एक साइन वेव इन्वर्टर है, और अगर ये कुछ परचेस करने के बारे में पूछ रहे हैं तो अगेन माय आंसर इज कि आप साइन वेव ही खरीदिए। तो यूटीएल गैमा प्लस है ये जो है एक साइन वेव इन्वर्टर है और इसका वेव फॉर्म भी काफी अच्छा है। अगर मेरे पास में ऑसिलोस्कोप होता तो शायद मैं आपको बता सकता कि वेवफॉर्म इसका कैसा दिखता है। बाकी अच्छा वेवफॉर्म है, इसमें फैन मोटर्स वगैरह में कोई नॉइज नहीं आती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है एम्पलीफायर्स में भी ऐसी कोई नॉइज नहीं आती, क्योंकि जो ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं एक सेंसिटिव लोड माना जाता है और वो स्क्वायर वेव पे नहीं चलता अच्छे से। तो गैमा प्लस पे ऑडियो एम्पलीफायर्स या आपके जो स्पीकर्स डेक्स वगैरह अच्छे से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद में हम देखते हैं कुशदीप सिंह ने पूछा है कि 1.3 किलोवाट सोनल का प्रूफ दो भाई, एम्प भी दिखाओ, और घर पे लगा हुआ है मेरा 900 वाट के सोनल पैनल्स लगे हैं। और एक तो 900 वाट मतलब लगभग आपका जो है 90% तो आपने लगा के रखा है, और जो एम्पियर दिखाने की बात आती है दोस्त, तो वो जो वीडियो है वो एडिटिंग फेज में आ चुका है और वो जल्द ही वीडियो जो है शायद इसके साथ में आ जाए, शायद इसके पहले भी आ जाए, तो आई डोंट नो, एडिटिंग फेज में वीडियो आ चुका है और वो इस वीडियो के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आपको वीडियो आपके पास में आ जाएगा। और इसके बारे में जो है 1.3 किलोवाट का प्रूफ, देखो मेरे दोस्त, ये जो है 1.3 किलोवाट जो कंसेप्ट है ना, तो इसमें ऐसा कोई मैजिक नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें कि जो 40 एम्पियर का आपका एमपीपीटी है ये एकदम से आपको 60 एम्पियर दे देगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो 40 एम्पियर का जो आपका एमपीपीटी है ये लगभग 40 के आसपास ही रहेगा, लेकिन कुछ और एंसिलरी बेनिफिट्स होते हैं ज्यादा पैनल्स लगाने के। तो वो जो ज्यादा पैनल्स आप लगाएंगे तो थोड़े बहुत जो है वो बेनिफिट्स हम ओवर पैनलिंग की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वाला वीडियो आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, और तब आप एक एजुकेटेड गेस ले पाएंगे कि आपको ओवर पैनलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद में राजन जी हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वाइंडिंग फॉर ट्रांसफॉर्मर। दोस्त मैंने इसका ट्रांसफॉर्मर खोल के नहीं रखा है, अभी तक तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास में भेजिए, क्योंकि 4000 घंटे का वॉच टाइम लगता है। चैनल मोनेटाइज होगा तो मे भी शायद हम ये सारी चीजें हम आपको ओपन करके भी बताएंगे, तोड़ के भी बताएंगे, तो देखते हैं आगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके बाद में जो है शिव कुमार पूछते हैं कौन सी कंपनी के पैनल यूज किए हैं। तो मेरे दोस्त ये जो पैनल्स हैं ये माइक्रोमैक्स के हैं, और जो फोन की जो कंपनी है माइक्रोमैक्स के जो मोबाइल आते हैं वही कंपनी है, और कोई भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं कोई ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा पर्टिकुलर ब्रांड आपको,
आपको जो भी ब्रांड पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। बाकी माइक्रोमैक्स मत लीजिए क्योंकि सर्विस नहीं दे पाते हैं ये लोग। आपके पास आपके जो जो भी शहर में सर्विस सेंटर जिसका हो अच्छा उसका आप पैनल ले सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दीप इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद कोई शॉप है इनका। और इनका है कि सर एक क्वेश्चन था कि सपोज मेरा 1 किलोवाट का सोलर पैनल्स है, क्या यूटीएल गैमा प्लस में जो एसपीवी एम्पियर, मेरे दोस्त एसपीवी एम्पियर सेटिंग का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी सेटिंग आप करते हैं 40 एम्पियर का, ये बैटरी चार्जिंग के लिए है, तो एसपीवी एम्पियर तो ऊपर से जो आ रहे हैं वो है और आपके लोड और आपके कंजम्पशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद में लिखा है कि अगर मैं सपोज इसमें 25 एम्प सपोर्ट करूं तो 25 एम्प से बैटरी चार्ज होगा या फिर 25 एम्प से लोड होगा। दोस्त जो भी सेटिंग आप करोगे वो आपके बैटरी चार्जिंग के लिए है, और अगर आपका लोड लिमिटेड है, लोड आपका कम है, तो ये 25 एम्प्स आपको बैटरी में दे पाएगा। लेकिन अगर आपका लोड ज्यादा है और सोलर से जो है इतना एनर्जी भी नहीं मिल रहा है आपको ऊपर से, तो वो 25 एम्प से कम हो जाएगा। तो अगर पर्याप्त ऊर्जा आपके सोलर पैनल्स दे रहे हैं तो 25 एम्पियर आपको बैटरी में जाएंगे और बाकी के जो भी एम्पियर है उससे आपका लोड चलने वाला है। तो ऐसा सिंपल है ये, और से लोड चलाएगा बैटरी चार्जिंग एम्पियर। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है, अच्छा लगता है ऐसा जब डिस्कशन चलता है चैनल पे तो बड़ा मजा आता है, और इन्होंने भी कुछ रिप्लाईज लिखे हैं। उसके बाद में यूटीएल गैमा प्लस 40 एम्प एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है तो उसका एम्पियर 27-28 आएगा, बिल्कुल बराबर, लगभग 25-27 एम्पियर आता है। ओके, उसके बाद में एमपीपीटी पर बढ़ाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा मेरे दोस्त। ये जो है ना 40 एम्पियर का है, मतलब इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो इसमें मॉस्फेट्स होंगे या जो भी इसमें कॉइल्स वगैरह होंगे, ये 40 एम्पियर के लिए रेटेड है, तो ये 40 ही देगा, ये उसके ऊपर नहीं जाने देगा। मतलब इनफैक्ट ये एक सेफ्टी लगानी पड़ती है कंपनीज को, क्योंकि कंपोनेंट को अगर आप फोर्स करोगे 40 से भी ज्यादा एम्पियर देने की तो कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे, आपके जो भी इन्वर्टर है ये डैमेज हो सकता है से भी ज्यादा। क्या 25 एम्पियर से? नो नो नो, तो 25 एम्पियर इज प्रीटी हाई। आप 150 AH की बैटरी को जो है 15 एम्पियर से चार्ज कीजिए, जनरली 10% रिकमेंडेड होता है, तो 15-17 एम्पियर मैक्सिमम 150 AH की बैटरी के लिए 15 एम्पियर से आप चार्ज कीजिए, उससे ऊपर आप चार्ज मत कीजिए। अगर 25 एम्पियर से आपको चार्ज करना है तो 150 के आप दो बैटरी लगा लीजिए पैरेलल में, और पैरेलल में लगभग फिर आप 30 एम्पियर तक इसको चार्ज कर पाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद में ओके ठीक है, 25 एम्प से बैटरी चार्ज करता है, बाकी लोड चलाता है, आपका बैटरी कितने एम्प्स? ओके, तो ये कुशदीप सिंह से कुछ पूछ रहे हैं कि आपके बैटरी का एम्पियर वगैरह बताइए, तो ठीक है, दे कैन यू नो कम्युनिकेट ओवर हियर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अरुण जॉनी एंड अरुण इज फ्रॉम केरला, सो रिगार्ड्स टू केरला गाइज, एंड इन केस आई हैव यूटीएल गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर, शुड आई बाय सोलर पैनल 350 वाट 24 वोल्ट नॉमिनल पैनल्स और 180 वैट इंटू 212 वोल्ट नॉमिनल पैनल्स, विच विल गिव बेटर एम्पियर टू माई 12 वोल्ट सिंगल बैटरी? ओके, 9 एम्पियर। ऑलराइट, सो जॉनी, इफ आई वॉज देयर इन योर प्लेस आई वुड हैव सिंपली गॉट दोज 350 वैट 24 वोल्ट नॉमिनल पैनल्स एंड बी डन विद इट। सी, बिकॉज बाइंग दीज लार्जर पैनल्स हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज, एंड देर इज दिस मिसकंसेप्शन गोइंग ऑन द इंटरनेट दैट यू नो दी स्मॉलर पैनल्स द 12 वोल्ट, बिकॉज द एम्पियर विच यू रीड ऑन द मल्टीमीटर इज हायर। बट गाइज, यू आर फॉरगेटिंग दैट दिस यूटीएल गैमा प्लस इज एन एमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर, एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज, यू नो द हायर वोल्टेज फ्रॉम दोज 24 वोल्ट पैनल्स, एंड इट्स गोइंग टू बूस्ट द एम्परेज गोइंग टू योर बैटरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो दीज 24 वोल्ट नॉमिनल सोलर पैनल्स आर स्लाइटली चीपर टू बाय, सो यू सेव सम मनी, एंड प्लस वन ऑफ द बिग बेनिफिट्स दैट यू गेट इज दैट योर ट्रांजिट लॉस, यू नो द वोल्टेज ड्रॉप विच हैपन्स ड्यू टू द केबलिंग विच इज कमिंग फ्रॉम योर टेरेस डाउन ऑल द वे टू योर इन्वर्टर इज लेस, बिकॉज यू आर सेंडिंग 40 वोल्ट्स, रफली 35-40 वोल्ट्स नॉमिनल एट लेस एम्परेज, and if you connect these smaller panels, the 12 volt nominal panels, you will be sending only 20 volts at double the amperage, and higher amperage is what causes the voltage loss in wires, not the voltage, higher amperage. So that is why at your homes you have 230 volt, you know, rather than having 12 volt supply from
योर पावर कंपनी. सो दैट इज द रीजन. हायर वोल्टेज इज बेटर फॉर सेंडिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, एंड दैट डिस्टेंस कैन बी एज शॉर्ट एज 10 meters और इवन 5 meters. सो सिंपली बाय दोज 350 watt पैनल्स and be done with it. There is a very rare case where I could suggest 180 watt panels. So if you have planning something like this where you would be buying two 180 watt panels and then if you think down the road, yes, I'll buy one another 180 watt panels and then I'm going to put all of those three panels in parallel and have that set up that way, then maybe you can buy those small 180 watt panels. Otherwise, simply buy a 350 watt panel, save up, buy another 350 watt panel and be done with it. That's what I recommend. All right. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीप इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. सर आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, थैंक यू दीप जी. एंड बट एक क्वेश्चन था कि यूटीएल गैमा प्लस में स्मार्ट मोड जो है उसमें अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके, क्या ये रियल में होता है? दोस्त ये बिल्कुल रियल में होता है, इसमें जो भी फीचर्स हैं ऐसा कोई भी फेक नहीं है. तो अगर आप इसको फीचर सेट करोगे हाइब्रिड मोड या पीसीयू मोड तो वो उस तरह से काम करेगा. और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के दूंगा क्योंकि एकदम शॉर्ट में इसको समझाना इजी नहीं रहेगा. तो आगे देखते हैं कि क्या लिखा है. या फिर ग्रिड से कनेक्ट होगा या फिर बैटरी को 12 या 12.8 वोल्ट्स तक यूज करने के बाद में ग्रिड कनेक्ट होगा. तो दोस्त सबसे पहले तो हम हाइब्रिड मोड समझ लेते हैं. हाइब्रिड मोड में तो ये है कि हमें बैटरी बचा के रखना है, ज्यादा से ज्यादा जो लोड है ये मेंस पे चलाता है तो हाइब्रिड मोड को हम रख देते हैं साइड में, ये बिल्कुल डिफरेंट है. तो कन्फ्यूजन जो जनरली होता है लोगों को वो होता है स्मार्ट मोड या फिर पीसीयू मोड. और अगर एक ही लाइन में मुझे आपको समझाना हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो पीसीयू मोड जो है ये कम्प्लीटली बैटरी के वोल्टेज के ऊपर चलता है. तो आपने जो भी बैटरी का जो सेटिंग करके रखा है, मान लीजिए आपने 12 वोल्ट पे उसको ग्रिड रिकनेक्ट दिया है, तो जब तक आपका बैटरी 12 वोल्ट तक नहीं आ जाता तब तक ये बैटरी से लोड आपको चलाएगा. और ये जो डिफरेंस आपको पता चलेगा स्मार्ट मोड और पीसीयू मोड का, ये जनरली शाम के वक्त पता चलेगा जब सोलर का जो पावर है वो इनफ नहीं रहेगा. और स्मार्ट मोड में अगर आप सेट करेंगे तो ये जो है बैटरी का वोल्टेज नहीं देखता है बट सोलर से आने वाली एनर्जी देखता है. तो ये एक फर्क है दोनों में और दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग है. कन्फ्यूजन काफी होता है लोगों को. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेडिकेटेड वीडियो इसमें आ जाएगी. तो एक बार और मैं आपको समराइज कर दूं कि क्या होता है. स्मार्ट मोड सबसे पहले समझ लेते हैं. स्मार्ट मोड में क्या करेगा कि जब तक पर्याप्त जो है सोलर एनर्जी है, सूरज की जो ऊर्जा है ये मिल रही है तब तक ये सोलर से चलाएगा. और फिर शाम के टाइम पे जैसे ही सोलर कम होगा ये सिंपली मेंस पे आपके ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट. और पीसीयू मोड क्या करेगा कि ये जनरली सूरज की ऊर्जा को नहीं देखता है, ये देखता है आपके बैटरी के वोल्टेज को. तो बैटरी का वोल्टेज जो भी आपने ग्रिड रिकनेक्ट जो वोल्टेज का जो ऑप्शन है जो एडवांस कैलिब्रेशन मेनू में आता है वो आपने सेट करके रखा है मान लीजिए 12 वोल्ट्स पे, तो जब तक 12 वोल्ट्स तक आपका बैटरी नहीं आ जाता तब तक ये आपको बैटरी से जो है लोड चलाते रहेगा. सोलर अगर है तो अच्छी बात है, तो सोलर भी यूज कर लेगा, बाकी ये बैटरी से भी 12 वोल्ट तक चलाते रहेगा. तो ये फर्क होता है स्मार्ट मोड में और पीसीयू मोड में. तो इन दोनों में ये फर्क है. इसके बारे में ओके, अगर ऐसा होता है तो जब ठीक ग्रिड चली जाए ओके. मेरे दोस्त इसके लिए आप क्या करो, अगर आपका ऐसा कोई इलाका है जहां पे थोड़ा बहुत लोड शेडिंग भी हो जाता है साथ में, तो ग्रिड रिकनेक्ट को आप 11.8 मत रखो, इसको आप 12 वोल्ट्स कर दो. तो 12 वोल्ट तक ये पीसीयू मोड में चला लेगा आपका लोड. और 12 वोल्ट आने के बाद में अगर आपका यहाँ पे लोड शेडिंग हो जाता है तो फिर भी इसमें इतनी एनर्जी होती है कि आपके जो काम की चीजें हैं लाइट पंखे वगैरह जो भी इमरजेंसी आपका लोड है उतना चला लेगा ये रात को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर हाँ, अगर आप रिकनेक्ट वोल्टेज 11.8 या 11.5 कर दोगे और फिर बाद में लोड शेडिंग हो गया आपके यहाँ पे रात को, तो सोलर एनर्जी भी नहीं है, बैटरी भी डाउन हो गया है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपका जो इन्वर्टर है ये शट डाउन हो जाए. ऑलराइट, उसके बाद में मेरा आउटपुट बहुत कम समय के लिए ठीक है. बताइए कि स्मार्ट मोड के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो ठीक है दोस्तों. वीडियो तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे आ जाएगा और आपको डिटेल में समझा दूंगा मैं ओके. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फ्रॉम संतोष वर्गीस. एंड संतोष इज आस्किंग यूटीएल गैमा प्लस स्मार्ट एन एमपीपीटी विस्प्रा इन दीज थ्री इन्वर्टर्स विच इन्वर्टर इज द बेस्ट. सो माई फ्रेंड इन ऑन माई चैनल जेन इनोवेशन आई डोंट बिलीव इन गिविंग एडवाइसेज अंटिल आई हैव पर्सनली टेस्टेड दीज इन्वर्टर्स. सो वॉट यू गाइज कैन डू इज यू कैन टेक इट टू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड यू कैन सेंड योर यू नो ट्वीट्स एंड ईमेल्स टू दीज कंपनीज that if you want reviews of all of these products on Zen Innovations, send me a test sample and I'm going to answer all of your questions
whatever you want to know about these brands. So because I have not tested Vispra and Smarten yet, I cannot give you a comparison yet. Yeah. तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको इसका पार्ट टू बनाना है तो मुझे बताइए और क्वेश्चंस इसमें डालिए आप लोग. यूनिक क्वेश्चंस होने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चंस में कोई मतलब नहीं रहेगा. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए. UTL गैमा प्लस के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैं वीडियो में आपका एक डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा. जो ओरिजिनल वीडियो था मेरा, उसके नीचे आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए. हैव अ नाइस डे.